गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हियर इज़ अ लेसन नंबर वन, पोएट्री लेसन, द स्क्विरल। नाउ आवर पोएट इज माइल्डर्ड बोवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग। नाउ हियर इज अ ग्लॉसरी, टीज मीन्स हियर प्ले विथ। नाउ समरी, इन द पोएम द स्क्विरल, द पोएट माइल्डर्ड बोवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग डिस्क्राइब्स अ स्क्विरल दैट शी ऑब्जर्व्स इन हर गार्डन। द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ द स्क्विरल कवर्ड इन ग्रे फर sits in an upright position on a tree branch eating a nut. Means squirrel जो है जो poet जब माइल्ड बोवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो squirrel के बारे में थोड़ा describe करते हैं कि जब वो observe कर रही थी garden में, poet ने describe किया that how the squirrel covered her grey fur, मतलब squirrel कैसे grey fur से covered थी। सिट्स इन एन अपराइट पोजिशन ऑन अ ट्री ब्रांच, एक ट्री ब्रांच पर वो अपराइट पोजिशन में बिल्कुल स्ट्रेट बैठी हुई थी। ईटिंग अ नट, वो एक नट खा रही थी। द स्क्विरल टेल लुक्स लाइक अ क्वेश्चन मार्क बिकॉज ऑफ इट्स बैंड शेप, उसके बैंड शेप की वजह से उसकी जो टेल है वो क्वेश्चन मार्क की तरह लग रही थी। हैप्पी एंड लाइवली स्क्विरल लव्स टू प्ले विद द पोएट एंड हर फ्रेंड्स। वेन एवर दे रैन अराउंड द ट्री, द स्क्विरल वुड रन टू अदर साइड ऑफ द ट्री। द पोएट टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ द स्क्विरल दैट इट इज़ इनोसेंटली नॉटी एंड लाइक्स टू टीज एनी वन हु कम्स नियर हिम। मतलब काफ़ी खुश थी वो, काफ़ी हैप्पी एंड लाइवली मीन्स जो हमेशा हर एक एक मोमेंट को एंजॉय करता है। सो स्क्विरल लव्स टू प्ले विद द पोएट एंड हर फ्रेंड्स, स्क्विरल को पोएट और पोएट के फ्रेंड्स के साथ खेलने में मज़ा आ रहा था। वेन एवर दे रन अराउंड द ट्री, जब भी वो ट्री के पास में जाते थे तो स्क्विरल जो है वो भाग जाती थी पेड़ की तरफ। द पोएट टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ द स्क्विरल दैट इट इज़ इनोसेंटली नॉटी, मतलब वो इनोसेंट तो है पर नॉटी भी है। एंड लाइक्स टू टीज एनी वन, मतलब हर किसी के साथ उसे खेलने में काफ़ी मज़ा आता था जो कि उसके पास जाता था। नाउ हियर इज अ वर्किंग विद द पोएम, मीन्स दिस इज अ टेक्स्चुअल क्वेश्चन आंसर्स। Why does the poet say that the squirrel wore a question mark for tail? Draw a squirrel or find a picture of a squirrel sitting on the ground. How would you describe its tail? The poet says the squirrel wore a question mark for a tail because its tail is bent in an arch which appears like a question mark. पोएट ने कहा स्क्विरल ने क्वेश्चन मार्क जैसी उसकी टेल थी जो कि पहन के रखी थी, क्योंकि उसकी टेल जो थी वो आर्च शेप में बेंड थी विच अपीयर्स लाइक अ क्वेश्चन मार्क। नाउ डू वी यूजुअली से दैट एन एनिमल वेयर्स अ टेल, व्हाट डू वी से? थिंक, डज एन एनिमल वेयर अ कोट? कोई एनिमल जो है वो कोट तो पहन नहीं सकता। कंसल्ट अ डिक्शनरी इफ़ यू लाइक एंड फाइंड हाउ वेयर यूज इन डिफरेंट वेज। सो वी यूजुअली से दैट एन एनिमल हैज सेट ऑफ गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स रेदर देन सेइंग वेयर, मतलब काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके एनिमल के होते हैं। सो द पोएट हाउ एवर यूजेज द वर्ड वेयर टू रेंडर द स्क्विरल एन इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी, मतलब स्क्विरल जो थी वो काफ़ी इंडिपेंडेंट थी। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ वेयर सजेस्ट समथिंग ऑफ एन आउटर कवरिंग फॉर इंस्टेंस क्लोथ्स, मतलब एक आउटर कवरिंग होती है उसे वेयर यूज़ किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, ही लाइक टू टीज एंड प्ले, हु इज टीजिंग हुम हाउ? द पोएट लाइक टू टीज एंड प्ले विद द स्क्विरल वेर एवर द पोएट वेंट अ लिटिल क्लोज टू द स्क्विरल, द स्क्विरल वुड रन अवे इन अदर डायरेक्शन। पोएट जो है उसे काफ़ी पसंद था कि वो पोएट लाइक टू टीज एंड प्ले विद द स्क्विरल, पोएट को भी खेलना बहुत काफ़ी पसंद था स्क्विरल के साथ। वेन एवर द पोएट वेंट अ लिटिल क्लोज टू द स्क्विरल, जब पोएट जब भी थोड़ा सा पास जाते थे स्क्विरल के, द स्क्विरल वुड रन अवे इन अदर डायरेक्शन, स्क्विरल जो है वो अदर डायरेक्शन में भाग जाती थी। सो हियर इज़ द लेसन नंबर वन इज़ फिनिश, लेसन नंबर वन पोएट्री लेसन द स्क्विरल। हियर इज़ द लेसन नंबर टू पोएट्री लेसन, द रिबल। डीजे एंड्राइड इज़ आर पोएट, रेबल अ रिवोल्यूशनरी इज नॉन कन्फर्मिस्ट, सोबरली प्लेन, नॉन अट्रैक्टिव, रिग्रेट्स मीन्स फील सॉरी। नाउ रेबल इज अ लाइटली एक्सप्रेस पोएम रिटन इन अ कैजुअल स्टाइल फ्री ऑफ एनी बिटरनेस और क्रिटिसिज्म, किसी चीज़ की कड़वाहट या किसी चीज़ को क्रिटिसाइज नहीं किया है। द पोएट शोज द कैरेक्टर ऑफ अ रेबल, वन हु डज नॉट कन्फर्म टू द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, हैज़ अ कॉन्ट्राडिक्टरी एटीट्यूड बेस्ड ऑन सेल्फ असर्शन, मतलब उसे खुद से प्यार था, वो जो खुद करता था उसे सब सही लगता था, जो सोसाइटी में जो सब लोग फॉलो करते थे वो बिल्कुल उसके अपोजिट था।
दिस इज़ नॉट अ टिपिकली अ पॉलिटिकल रेबल हु वॉन्ट्स अ रिवॉल्यूशन इन द कंट्री. ये किसी पॉलिटिकल रेबल के बारे में नहीं है जो कि रिवॉल्यूशन चाहता था कंट्री से. बट दिस इज़ अ कॉमन एडोलेसेंट बॉय हु फॉर हिज इनएक्सपीरियंस इन एग्जिबिट्स हिमसेल्फ सो एज टू ड्रॉ अटेंशन. मतलब वो बस अटेंशन के लिए, वो खुद के अटेंशन पाने के लिए, मतलब खुद जो कर रहा है वो सही कर रहा है या नहीं उस चीज़ को देखने के लिए वो कर रहा था. द पोएट लिस्ट वेरियस कॉन्ट्राडिक्टरी एक्टिविटीज ऑफ द रेबल. पोएट ने इस स्टोरी में इस पोएम में काफ़ी सारी चीज़ें जो रेबल ने की है उसकी सारी एक्टिविटीज़ के बारे में बताया. He says that when everybody has short hair, the rebel grows his hair long. जब सब लोग छोटे बाल जो है वो ग्रो करते हैं, जब छोटे बाल रखते हैं तो rebel जो है वो है लॉन्ग हेयर ग्रो करता है. When long hair is in, the rebel cuts his hair short. जब सब लोगों के बाल छोटे जब सब लोगों के बाल लंबे होते हैं तो rebel जो है अपने बाल छोटे करता है. He stays silent during the lesson when everyone is discussing a matter. वो हमेशा चुप रहता है जब सब लोग किसी मैटर को डिस्कस कर रहे हो. बट वेन इट इज़ टाइम फॉर जनरल डिस्कशन, जब सब लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, द रेबल रिमेन साइलेंट. वेन एवरी वन एल्स वेयर्स अ यूनिफॉर्म, ही पुट्स ऑन अ शोई ड्रेसेस. जब सब लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं तो रेबल जो है वो शोई ड्रेसेस मीन्स फैंसी ड्रेसेस पहनता है. वैन पीपल वेयर कलरफुल ड्रेसेस, जब सब लोग अच्छे कपड़े पहन के आते ही डज द अपोजिट, वो हमेशा उसके अपोजिट जाता है. इन द कंपनी ऑफ अ कैट लवर्स, जब सब लोग कंपनी में कैट लवर्स मतलब उसके आसपास के जो लोग हैं सब लोग कैट के लवर होते हैं तो वो डॉग को प्रेफर करता है. जब सब लोग डॉग को प्रेफर करते हैं तो वो कैट को प्रेफर करते हैं. सब लोग सनी वेदर को प्रेस करते हैं तब वो रेन की तरफ पॉइंट आउट करते हैं. लाइकवाइज जब सब लोग रेन को वेलकम करते हैं तो रेबल को सन काफ़ी वो काफ़ी याद करता है, मीन्स सनी डे को काफ़ी याद करता है. व्हेन अदर अटेंड मीटिंग्स ही स्टेज होम, व्हेन अदर स्टेज होम ही अटेंड्स मीटिंग. जब सब लोग मीटिंग अटेंड करते हैं तो वो घर पर रहता है, जब सब लोग घर पर होते हैं तो वो मीटिंग अटेंड करता है. ही सेज यस व्हेन शुड से नो, जब सब लोग नो कहते हैं तब वो यस बोलता है. जब सब लोग नो कहते हैं बट सेज यस, जब तब वो जब ना करता है तब, जब सब लोग हाँ करते हैं तब वो ना कहता है. इन शॉर्ट ईच एक्शन ऑफ द रेबल इज स्टिम्युलेटेड बाय सेल्फ एक्सिबिशन एंड इनएक्सपीरियंस एटीट्यूड ऑफ एडोलेसेंस. द पोएट हैज़ रिमार्केबली डिस्क्राइब्ड द नॉन कन्फर्मिस्ट बिहेवियर ऑफ द रेबल इन अ लाइट फनी एंड कैजुअल मैनर. काफ़ी फनीली और कैजुअल मैनर में पोएट ने इस बिहेवियर के बारे में बताया. द पोएट सेज द इंडिविजुअल फ्रीडम इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिविजुअल फ्रीडम मतलब जो खुद को हमें करना चाहिए, जो हम चाहते हैं करना, वो हमें मीन्स करने को कभी मिलता नहीं है. बट सोसाइटी से बिल्कुल अगेंस्ट जाके, सबके अगेंस्ट जाके उस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि अदर पर्सन को क्या करना है और वो क्या करना चाहता है. सो हर चीज़ में रोकना टोकना किसी को ये अच्छी बात नहीं होती. नो टू पर्सन्स कैन बी इक्वल. हर दो लोग ऐसा ज़रूरी नहीं कि इक्वल हो, उनकी सोच भी एक जैसी हो. द पोएट ऑल्सो सेज दैट सच पीपल इन सोसाइटी डू एग्जिस्ट बट वी मस्ट हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर. ऐसे लोग भी होते हैं सोसाइटी में जो हमसे बिल्कुल अलग रहते हो, बट हमें उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर भी होना चाहिए. बट वी शुड नॉट ट्राई टू बी वन, बट हमें उनके जैसा नहीं बनना चाहिए. सो वर्किंग विद द पोयम, इफ समवन डजंट वेयर अ यूनिफॉर्म टू स्कूल, वॉट डू यू थिंक द टीचर विल से? द टीचर वुड स्कोल्ड द स्टूडेंट हु वुड नॉट बी ड्रेस्ड इन द स्कूल यूनिफॉर्म वाइल कमिंग टू स्कूल. टीचर जो है वो स्टूडेंट को डांटते हैं अगर कोई यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आता है स्कूल में तो. व्हेन एवरीवन वांट्स अ सनी वेदर, व्हाट डज द रेबल वांट मोस्ट? जब सबको सनी वेदर पसंद होता है तो एवरीवन वांट्स अ सनी वेदर, द रेबल वांट्स द रेन. रेबल को बारिश चाहिए होती है. इफ द रेबल हैज अ डॉग फॉर अ पेट, व्हाट इज एवरीवन एल्स लाइकली टू हैव? अगर रेबल के पास डॉग या पैट होता है तो बाकी सब, द अदर्स आर मोस्ट लाइकली टू बी कैट लवर्स, तो बाकी सारे कैट लवर्स होते हैं. वाई इज इट गुड टू हैव रेबल्स? इट इज़ गुड टू हैव रेबल्स बिकॉज दे आर डिफरेंट फ्रॉम कॉमन पीपल. रेबल्स की तरह रहना एक डिफरेंट होता है क्योंकि वो कॉमन पीपल से डिफरेंट होते हैं. दे टीच अस टू बी एबल टू एक्सेप्ट एंड टॉलरेट डिफरेंसेस, मतलब जो डिफरेंसेस है हम एक दूसरे के बीच में वो उसे एक्सेप्ट करना हमें सिखाते हैं. सो हियर इज अवर लेसन नंबर 2, पोएट्री लेसन द रेबल पोएम इज फिनिश्ड. नाउ नो इट इज़ नॉट फिनिश्ड, हियर आर सम क्वेश्चंस.
So why it is not good to be a rebel oneself? It is not good to be a rebel oneself because society never accepts a rebel and always criticizes his behavior. Society जो है हमेशा एक दूसरे के oneself मतलब खुद के बारे में सोचना सोसाइटी तो कभी एक्सेप्ट करती नहीं है. सो वो क्रिटिसाइज़ करती ही रहती है उसके बिहेवियर को. सो वुड यू लाइक टू बी अ रेबल? इफ़ येस वाई, इफ़ नॉट वाई नॉट? आई वुड लाइक टू बी अ रेबल बिकॉज रेबल इज़ एबल टू थिंक इंडिविजुअली, मतलब वो खुद के बारे में अलग से सोचता है, इंडिविजुअल माइंड है उसका, वो मतलब जैसा सब लोग करते वो वैसा बिल्कुल भी नहीं करता. However, it is not easy to be rebel as the rebels are always criticized by society for their different behavior. Find the poem an antonym, a word opposite in meaning for each of the following words: long, we have short, grow, cut, quietness, disturbance, sober, fantastic, lost, found. Now, find the poem lines that the following read both one after the one after the other. The rebel refuses to cut his hair. The rebel lets his hair grow long. He says cats are better. He puts in a good word for dogs. मतलब जब cat सबके लिए better होती है तब वो dogs के बारे में अच्छे words बोलता है. He recommends dog. He has a preference for cats. जब सब लोग dog का recommend करते तब वो cat का preference देता है. When everybody is greeting, he is unhappy because there is no sun. वो खुश होता है जब वो ना खुश होता है जब सन नहीं होता. When everybody is greeting the rain. He is noisy on purpose. When nobody talks during the lesson, वो noisy होता है. So here is our lesson number 2. Poetry lesson is finished. Now this is the next lesson, poetry lesson. Lesson number 3. The Shed. Frank Flynn is a poet. Now shed, outhouse, hut, hinges, door, joints, rusty, corroded, oxidized, creak, screech, make a grating or squeaking sound, rotten, decayed, crumbling, peak, glimpse, pie, den, hideout, chop off, cut off. The poet is about the shed, which is a small room away from the main house. It is located at the bottom of the poet's garden. It is in the worst condition. Whenever poet passes through it, he feels somebody is staring at him. His brother threatens him by saying that a ghost stays in the shed who hides himself under the rotten floorboards who may jump and attack the poet. पोएट जो है एक हमेशा द शेड विच इज़ अ स्मॉल रूम अवे. पोएट जो है हमेशा ऐसा सोचता है जो उसके घर से मेन हाउस से थोड़ा सा एक दूर की तरफ एक स्मॉल रूम होता है. इट इज़ लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द पोएट्स गार्डन. गार्डन के जस्ट पीछे होता है. इट इज़ इन द वर्स्ट कंडीशन. काफ़ी ख़राब कंडीशन होती है उसकी उस शेड की. वेन एवर पोएट पासिस थ्रू इट, इट फील समबडी स्टेयरिंग एट हिम. जब भी पोएट उस शेड की तरफ से ऐसे पास आउट होता है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे स्टेयर कर रहा है, मतलब कोई उसे घूर रहा है, बार बार देख रहा है. हिज ब्रदर थ्रेटन्स हिम बाय सेइंग दैट अ गोस्ट स्टेज इन द शेड हु हाइड्स हिमसेल्फ अंडर द रॉटन फ्लोर बोर्ड्स. उसका जो भाई होता है पोएट का, वो उसे कहता है कि उसमें कोई भूत है, उस शेड में एक भूत छुपा हुआ है जो कि जो टाइल्स होती है हमारे अंडरग्राउंड टाइल्स होती है, टाइल्स के अंडरग्राउंड कुछ छुपा हुआ है. और जैसे ही पोएट उस रूम में जाएगा वो एकदम से उसके ऊपर जंप करेगा और अटैक कर देगा. इनफैक्ट देर इज़ नो गोस्ट इन साइड द शेड, जबकि सच बात यह है कि उसके वहाँ पर कोई भी शेड में कोई भी भूत नहीं है. हिज ब्रदर टेल्स हिम टू लाई, उसके भाई ने उसे झूठ कहा था. कीप द शेड फॉर हिज डैन, मतलब द पोएट ट्राइज टू कन्विंस हिमसेल्फ दैट देयर कैन नॉट बी एनी घोस्ट शेड एंड अश्योर्स हिमसेल्फ दैट ही विल गो इनसाइड द शेड समडे इन नियर फ्यूचर. मतलब पोएट खुद को ऐसे नहीं सिंपैथी देता है, कन्विंस करता है कि वहाँ पर कोई भी घोस्ट नहीं है, कोई भी भूत नहीं है, और अश्योर करता है कि इन फ्यूचर में बहुत जल्द ही जाऊँगा. आयरोनिकली ही एड्स दैट ही टाइम हैजंट कम जस्ट येट, और एट द एंड तो उन्होंने कह दिया कि वो टाइम अभी तक आया नहीं है. द आफ्टर थाट मे बी ड्यू टू अ लैक ऑफ कन्विक्शन एंड ही थिंक्स दैट ही नीड्स मोर टाइम टू गैदर इनफ करेज, मतलब पोएट जो है उसे काफ़ी करेज चाहिए होता है कि वो उस शेड तक जा सके. नाउ वर्किंग विद द पोएम, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम, इट इज़ नॉट वेरी क्लियर हु द स्पीकर इज. परहैप्स द स्पीकर इज पोएट हिमसेल्फ, मतलब शायद उस पोएट ही स्पीकर है. इफ़ ही शी अफ्रेड और क्यूरियस और बोथ, द स्पीकर सीम्स टू बी बोथ क्यूरियस एज वेल एज अफ्रेड टू गो इनसाइड द शेड. ही वॉन्ट्स टू फाइंड आउट वॉट इज इनसाइड द शेड. एट द सेम टाइम
He is afraid because he thinks that strange voices could be heard from the shed and there is possibility a ghost who lives inside the shed. जो स्पीकर है और काफ़ी क्यूरियस है, अफ्रेड है, मतलब अंदर जाने से डरता है, शेड के अंदर जाने से. ही वॉन्ट्स टू फाइंड आउट वट इज़ इन साइड द शेड, मतलब शेड के अंदर क्या है. एट द सेम टाइम ही इज़ अफ्रेड बिकॉज ही थिंक्स अ स्ट्रेंज वॉइस कुड बी हर्ड, मतलब उसे काफ़ी स्ट्रेंज वॉइस, डरावनी आवाज़ें भी सुनाई देती है फ्रॉम द शेड एंड देर इज़ पॉसिबली अ गोस्ट हु लिव्स इन साइड द शेड. मतलब स्पीकर को ऐसा लगता है कि पॉसिबली उसमें कोई भूत है जो कि शेड के अंदर रह रहा है. वट इज़ शी ही प्लानिंग टू डू सून? शी ही प्लान्स टू गो इन साइड द शेड आफ्टर सम डे सून. वो प्लान कर रहे होते शेड में जाने के लिए, मतलब वो प्लान कर रहे होते शेड में जाने के लिए और वो दिन बहुत ही जल्द आएगा. बट नॉट जस्ट येट, सजेस्ट डाउट, फियर, हेजिटेशन, लेजीनेस और समथिंग एल्स. चूज द वर्ड विच सीम्स राइट टू यू. टेल अदर्स वाई यू चूज इट. But not just yet seems to suggest lack of conviction. The speaker thinks that he needs more time to gather enough courage to enter the shed. मतलब स्पीकर को काफ़ी टाइम चाहिए होता है, जिससे काफ़ी करेज चाहिए होता है जिससे कि वो शेड के अंदर एंटर कर सके. Is there a room in your house or a house in your neighborhood locality where you would rather not to go alone and never at night? If there is such a place and a story to go with it, let others hear all about it. There is a storeroom in my house. This is for example. There is a storeroom in my house, which is in the backyard of the house. घर के बिल्कुल पीछे था. It was a little away from the main structure. मेन स्ट्रक्चर से थोड़ा दूर था. It is full of odd objects. काफ़ी सारे odd objects थे उसके अंदर. Even not even lit properly. ठीक से उसमें उजाला भी नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी. दस गोइंग टू द स्टोर रूम एट नाइट कॉल्स अ लॉट ऑफ करेज. मतलब रात को जाने में काफ़ी करेज की ज़रूरत, काफ़ी हिम्मत की ज़रूरत होती है. माई मदर वंस आस्क्ड मी टू फेच सर्टेन थिंग्स फ्रॉम द स्टोर रूम. मेरी मम्मी ने मुझे एक बार कहा था कि स्टोर रूम में से जाके कुछ सामान लेके आओ. व्हेन आई एंटर्ड द स्टोर रूम आई फेल्ट एज इफ आई नो सॉ द मूवमेंट ऑफ शेडोज. मैंने कुछ शेडोज के मूवमेंट ऐसे देखे थे. आई स्क्रीम विद टेरर और मैं बहुत ज़ोर से ऐसे चिल्लाया था. बट लेटर got to know that those shadows were nothing but my mind's imagination. और बाद में मुझे पता चला कि वो जो shadows